subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and welcome to Bright Future Fun Learning. तो आज हम बात करेंगे हमारा नया टॉपिक जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में. तो हम इंग्लिश का एक टॉपिक लेंगे आज पढ़ने के लिए, जो कि होगा हमारा, ये आपका टेक्स्ट बुक है और इस टेक्स्ट बुक में से हम टॉपिक लेंगे अ पोएम. एक पोएम लेंगे जिसका नाम है देयर इज अनदर स्काई. काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम होने वाली है, आशा करती हूँ आपको ये पोएम पसंद आएगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएम. तो आप देख सकते हैं ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज है, देयर इज अनदर स्काई. तो पहले तो हम देखते हैं आइस ब्रेकर्स. लाइफ इज एन अमलगम ऑफ हैप्पी एंड सैड मोमेंट. लाइफ इज अ मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स. तो उसमें से हैप्पी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स सेग्रीगेट किया हुआ है. तो हैप्पी मोमेंट फॉर एग्जाम्पल विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ कॉम्पिटिशन, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो, कोई बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन हो, फुटबॉल हो, आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, दैट इज योर हैप्पी मोमेंट. लूजिंग योर मोबाइल, बाइसिकल और वॉलेट, मोबाइल खो गया, बाइसिकल चोरी हो गई, या आपके अब तो अगर आप 18 से अबव है तो अगर आपकी स्कूटी चोरी हो गई या फिर किसी टो मैन ने टो करके लेके गई तो वो सैड मोमेंट, या फिर आपका वॉलेट चोरी हो गया. ऐसे ही हैप्पी मोमेंट्स और कुछ होंगे आपकी लाइफ में तो यहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं. जैसे कि आपको जो आपको अच्छा लगा, जैसे कि आपको कोई गिफ्ट किसी के थ्रू मिला जो आपको काफ़ी दिनों से चाहिए था. फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लूटूथ के हेडफोन चाहिए थे लेकिन तब आपके पास पैसे नहीं थे, सडनली किसी पुराने दोस्त ने या रिश्तेदार ने आपको वो बर्थडे पे प्रेजेंट किया, एक्साइटमेंट और डबल हो जाएगी ना. वैसे कोई सैड मोमेंट, आपका कोई जाने वाला आपसे दूर चला गया, या आपका कोई प्यारा सा पेट जो आपको फाइनली आपको उससे दूर रहना पड़ा या छोड़ना पड़ा, वो सैड मोमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नाउ डिस्कस विद योर पार्टनर एंड फाइंड प्रोवर्ब idioms or phrases of a similar meaning. Now, यहाँ पे every cloud has a silver lining. इस तरह और भी कोई होगे proverbs, मतलब हर बादल के अंदर एक आशा की किरण होती है. वैसे ही any proverb और idiom और phrase जो कि similar इससे होती है meaning, वो रख सकते हैं. या चाहिए तो आप ये भी लिख सकते हैं every dog has a day, मतलब हर किसी का दिन आता है वो, या फिर ऐसे कोई जो होप्स से रिलेटेड फ्रेजेस हो वो लिख सकते हैं यहाँ पे. और नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला, ये एमिली डिकिंस. जो एमिली डिकिंस है ये अमेरिकन पोएट है जिन्होंने 19th सेंचुरी में ये पोएम लिखी हुई है जिसका नाम है देयर इज अनदर स्काई. ये इंस्पिरेशनल पोएम है. देयर इज अनदर स्काई यानी अनादर अपॉर्चुनिटी भी होगी ना लाइफ में, तो यही है पोएम का एकमात्र थीम जो ये एमिली डिकिंस हमें बताना चाहते हैं. तो इट इज़ अ पेट्रियकन सोनेट विथ अ ऑक्टेव एंड सिस्ट. एक सोनेट है. द पोएट इज कम्युनिकेटिंग विथ हर ब्रदर थ्रू अ लेटर. वो अपने भाई को लेटर भेजती है और उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करती है. Encourages her brother not to get depressed under any circumstances and pleads him to return home. Life is full of challenges. One can tackle the challenges with a positive attitude. Right? अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉबलेस है, फिर भी आप कुछ ना कुछ करके तो अपनी लाइफ में गुजारा कर सकते हो. कहीं छोटा मोटा काम देख दीजिए, या फिर खुद का बिजनेस शुरू कर दीजिए, या आप घर में बैठे ट्यूशंस लीजिए छोटे बच्चों के. आजकल तो काफ़ी सारे वर्क फ्रॉम होम के ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं. तो द ब्राइटर गार्डन स्टैंड्स फॉर द चॉइसेस दैट लाइफ ऑफर्स टू ऑल. काफ़ी सारे ऑफर्स होंगे अपनी लाइफ में. नाउ ये आपकी जो पोएम है, सो लेट मी स्क्रोल दिस लिटिल बिट. कुछ ज़्यादा ही स्क्रोल हो गया लगता.
ये आपका एमिली डिकेंस का पोएम है, तो देयर इज अनदर स्काई. तो लेट मी रीड आउट दिस पोएम एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन द फुल पोएम. नाउ देयर इज अनदर स्काई एवर सीरीन एंड फेयर एंड देयर इज अनदर सनशाइन थ्रू इट though it be darkness there, never mind faded forest, Austin. Never mind silent fields, he is a little forest whose leaf is evergreen. Here is a brighter garden where not a frost has been. In its unfading flowers, I hear the bright bee hum. Preeti, my brother, into my garden come. Emily Dickens. यानी एमिली डिकेंस को क्या बोलती है अपने भाई को यहाँ पे. काफ़ी क्यूट सी पोएम है मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्यूट वर्ड से अपने भाई को उन्होंने एड्रेस किया है यहाँ पे, कि जो आपका जो तुम्हारा नेवर माइंड बिकॉज इट इज़ ऑलवेज सम और द अदर. लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो हो गए, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि देर इज अनदर स्काई एवर सीरीन एंड फेयर. सीरीन मतलब पीसफुल एंड काम. ऐसे भी दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी ना जो पीसफुल एंड काम होगी. देर इज अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देर. तो थोड़ा डार्कनेस है लेकिन अनदर सनशाइन विड बी देर. Never mind faded forest, Austin. Austin यानी अपने भाई को बोला है उसने. और never mind silent fields, he is a little forest whose leaf is evergreen. अब faded forest है लेकिन it's okay, never mind. थोड़ा सा छोटा और silent fields है. Here is a little forest whose leaf is evergreen. लेकिन लीफ तो हमेशा evergreen रहेंगे ना. Now here is brighter garden. तो अगर आपके पास दूसरी opportunity है तो वो देखो ना कि एक brighter garden है where not a frost has been. मतलब कभी उस garden में बर्फ नहीं जमी, frost नहीं हुआ. जैसे अब frost का मतलब जो टेम्परेचर होता है वो 0 degree के नीचे चला जाता है और एक थिन लेयर ऑफ आइस फॉर्म होती है. इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स जो है वो फेड नहीं है, ब्राइट कलर्स में है. आई हियर द ब्राइट बी हम, मैं सुन सकती हूँ एक ब्राइट बी है वो हमिंग कर रही है. इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रीथी माई ब्रदर, यानी मैं प्लीज कर रही हूँ तुमको, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमको, इन टू माई गार्डन कम, आ जाओ मेरे पास भैया वापस, क्योंकि और भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, आप डिप्रेस मत होइए. इन टू माई गार्डन कम यानी पोएट डिपिक्ट अ डिफरेंट गार्डन, डिस्कस अबाउट योर पार्टनर ना. पोएट इन टू माई गार्डन बोलती यानी यहाँ पे आके देखो, हमारे यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे. तो यही आपको ऑस्टिन का जो भाई है उसका वो डिप्रेस हुआ है और एमिली उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, और भी अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये जो पोएम थी यही थी कि आप अपने लाइफ में भी कभी अपॉर्चुनिटीज से, अगर आपका ऐसे तो बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नॉक्स डोर बट नॉट एवरी टाइम, बट मैं कहती हूँ अपॉर्चुनिटीज नॉक्स डोर्स एवरी टाइम टिल यू आर अलाइव. ओके, टिल यू आर अलाइव. व्हाई? बिकॉज देर इज अनदर स्काई. अगर ये नहीं तो वो सही, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नॉक्स एट द डोर बट नॉट एवरी टाइम. ये गया जमाना, अब हर कोई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेके खड़ा है. अपॉर्चुनिटीज नॉक्स डोर्स
every time, but for that you have to hard work. You have to do hard work. Okay? So I hope आपको ये जो poem, I hope you have understood this poem clearly. So please like, share and subscribe for more. Thank you so much.